हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक लंबा नींद लेने के बाद हम लोग आपके सामने आ रहे। कल 5 बजे से हम लोग सो रहे थे, हमें बिल्कुल नहीं पता चला। हम आज सुबह 8 बजे हमारा नींद खुला, देखा अभी तक मतलब शाम नहीं हुआ है, ऐसे सोच रहे थे। फिर उठ के देख रहे तो ये तो नेक्स्ट डे हो चुका है, ये संडे हो चुका है। डेट बदल गया, दिन बदल गया और हमें पता ही नहीं चला, इवनिंग से मॉर्निंग हो गया। इतना बड़ा नींद लिया हम लोगों ने। और कल की नींद के बारे में बताओ। मैंने बोला था 1 घंटे के बाद उठा देना। जोर से बोलो। 1 घंटे के बाद उठाने को बोला था, 1 दिन बाद नहीं। किसी को भी पता नहीं चला। तभी मैं सोचती हूँ पूरा उठने के बाद ये उबल ही हुआ है। उबल नहीं रहा, उबल नहीं रहा है, उग रहा है। नहीं मम्मी, जब मोबाइल में टाइम देखा तो ये अपने दिन का है, तो मुझे लगा शायद किसी ने एड बदल दिया होगा। फिर मैं जब दूसरे मोबाइल का देखा तो भी वो सेम था, तो मुझे लगा कि वो भी ऐसे ही होगा। फिर मैंने लैपटॉप खोला, क्योंकि वो तो मैं ही खोलता हूँ, तो ये पता चला ये अपना दिन आ गया। ऐसा हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं था, मतलब ये अजीब चीज़ हो गया। मेरा पूरा कल का दिन बर्बाद हो गया, मेरा काम अच्छा हुआ था वो भी चला गया। दो दो और सबसे बड़ी बात, 2 ट्यूशन चला गया। सबसे बड़ा नुकसान, 2 2 ट्यूशन। इसको मजा आ रहा है, ट्यूशन नहीं जाना। ओ भगवान। तो काम तो रह गया ना जब कल करना था। तो हम लोग कल का नींद से आज जाकर हम लोगों ने सुबह से थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोगों ने घर का थोड़ा काम किया। इतना बड़ा नींद से उठने के बाद मैंने सुबह ये ब्रेकफास्ट बनाया था, व्हाइट सॉस चीज़ मैक्रोनी। और कल हम लोग जब स्कूल से आ रहे थे तो बस बहुत लेट आया, इस वजह से हम लोग लेट पहुँचे घर में, 3:30-4 बज गया था। तो फिर खाना खाने के बाद बहुत टायर्ड लग रहा था, तो मैंने बच्चों को बोला 1-1 घंटा सो जाओ, फिर आराम से उठ के फिर पढ़ाई वढ़ाई करना, जो भी ट्यूशन जाना है जाना। लेकिन हमें नहीं पता था, मैंने अलार्म लगा लेती थी तो अच्छा रहता, लेकिन इतना नींद लग जाएगा ये नहीं ये पता। ये सोफ़ा पहले यहाँ पे होता था, फिर हमने इसको यहाँ पे किया, थोड़ा चेंज किया घर का डेकोरेशन। कैसे लग रहा है थोड़ा आप देख के कमेंट कीजिएगा। ये दूर से थोड़ा इस तरह से दिख रहा है, कैसे अच्छा लग रहा है? क्योंकि कभी कभी तो सर को पढ़ने के लिए ये छोटा सा टेबल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक जगह पढ़ाई करने से ना डिस्टर्ब होते हैं। तो मैंने दोनों को अलग अलग जगह पढ़ने के लिए बोला, तो तुषार यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ में प्लग है, लैपटॉप चार्ज करने में उसको यूज करने में थोड़ा प्रॉब्लम सही रहता है, और नीचे थोड़ा बुक्स वगैरह भी रखने के लिए है। तो तुषार ने सोचा कि तुषार को यहीं पढ़ाई करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया ये कॉर्नर में, ताकि रूम भी थोड़ा ठीक दिखे और पढ़ाई करने में भी अच्छा इजी हो। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा ऐसे रूम को चेंज किया है। बाकी अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये आज हमारा लंच है, इसमें है दाल, दही, ये बीन्स आलू की सब्ज़ी, वो बैगन फ्राई और जीरा राइस। ये है आज का हमारा लंच, अभी हम लंच करेंगे। अभी मेरा खाना पीना हो गया है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ आई बालकनी में सफाई करने। ये देखो कितना गंदा, ये जैसे इस साइड में ना ये झाड़ू से नहीं निकलता है, और ये बहुत गंदा फंस गया है अंदर गमलों के अंदर। तो अभी मैंने सोचा अभी ये सब सफाई कर देती हूँ। ये देखो कितना बाल मेरा इतना झड़ता है ना, ये बाल आके यहाँ फंस जाता है।
और पता ही नहीं चलता। ये देखो कितना गंदा बाल। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग बिना सब्सक्राइब करके नहीं जाइएगा, और आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी है उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए। और मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ, और इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अब मैं यहाँ से गमला साइड कर कर के कोना कोना को साफ़ कर रही हूँ। मेरे बाल बहुत सारे फंसे हुए हैं इनके अंदर, इतना बाल झड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैंने तुषार को मोबाइल पकड़ाया है वीडियो बनाने के लिए और मैं सफाई में लगी हूँ। मुझे पेड़ पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है और उनका देखभाल करना भी, बहुत शांति मिलती है थोड़ी देर बालकनी में आके बैठने से, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ, जो भी डब्बे वगैरह मुझे मिलता है हर किसी से मैं लगा देती हूँ। और जो कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे ये पर्पल हार्ट, इनका डालियाँ बहुत फैलता है और इनको तोड़ तोड़ के दूसरे गमला में लगा लो तो ये और भी बढ़िया सा दिखता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत सारा डालियाँ जब निकल जाती है उनका तो मैं इनको दूसरे गमले में लगा देती हूँ। इसी तरह से मेरा बालकनी पूरा फूल हो गया है। ये आरओ का एग्जॉस्ट वाटर है, इसको मैं पेड़ों में डालूँगी। मैं इस पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं किसी ना किसी काम पे लगा देती हूँ, जैसे पेड़ों में डालना हो, कपड़ा धुलना हो, या फिर पोछा लगाना हो, या फिर ये जैसे ये बालकनी का फर्श धुलना हो, तो ऐसे कामों में मैं लगा देती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ अच्छा मीठा पानी आता है तो बिल्कुल वेस्ट करने के लिए मन नहीं करता। ये तोसियन का एक्सपेरिमेंट है, स्कूल का प्रोजेक्ट वर्क है इसलिए तोसिया ने बनाया है। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो जरूर बताना। बाय।